Hello everyone, a very good morning all of you. Today we are going to start a new concept and topic, that is vapor pressure and Raoult's law. Okay, so आज हम लोग इसमें vapor pressure और Raoult's law के बारे में discuss करने वाले हैं कि vapor pressure and Raoult's law actual में होता क्या है. Okay guys, so देखो जो vapor pressure है, ठीक है, ये एक्चुअली क्या होता है. देखो बेसिकली जैसे ये आपको डायग्राम देख रहे हो, इसमें जैसे मैंने क्या किया है, वाटर फिल किया है ना, ये कंटेनर ले लिया हूँ. अब इस कंटेनर के अंदर हम लोगों ने वाटर फिल किया है. ओके, बात समझना. जैसे ही मैं इसको हीट करता हूँ गाइस, देखो जैसे मैं इसको हीट कर रहा हूँ ना, तो यहाँ से क्या होते हैं, कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ना, जो इस सॉल्यूट के सॉल्यूशंस के हैं, वो वेपर के फॉर्म में जनरली क्या होते हैं, बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं. वेपर्स के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, यहाँ पर बनना स्टार्ट हो जाते हैं. इस डेट क्या मतलब, हीट करने पे कुछ प्रेशर जो होता है ना, जो कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो जनरली वेपर्स के फॉर्म में बाहर निकलते हैं. ओके, अब जनरली मैं अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट करता हूँ, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री से 60 डिग्री से 70 डिग्री कर रहा हूँ, मतलब इसमें जो वेपर्स जो बाहर निकल रहा है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस क्वांटिटी पे यहाँ पे क्या होता है, जनरली इसके मॉलिक्यूल जो होते हैं, इंटर मॉलिक्यूलर जो फोर्स होता है वो बढ़ जाती है, और इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बढ़ने से वे अपने पिगमेंट्स को क्या करते हैं, जो बेसिकली उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो उन्हें तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं. ओके, तो ये होता है गाइस. तो बेसिकली इनकी वजह से कुछ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक कंटेंट कॉज करते हैं, तो उससे हम लोग प्रेशर बोलते हैं. ओके, तो ये जो वेपर प्रेशर है ये कुछ नहीं है, वाटर की सरफेस से जो मॉलिक्यूल इवापोरेट होते हैं गाइस, वही वेपर प्रेशर कहलाते हैं. देखो वेपर प्रेशर इज द प्रेजेंस, ओके प्रेजेंस, ओके वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जिस्टेड बाय द वेपर. वेपर प्रेशर इज द प्रेशर एग्जिस्टेड बाय द वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड. लिक्विड के सरफेस पे जो भी क्या होते हैं भाई, जो सरफेस है वहाँ पे जो भी लिक्विड का जो वेपर वेपर हो गया, वेपर इवेपरेट हो रहा है, वही क्या कहलाता है, उसका प्रेशर कहलाता है. शॉर्ट एंड स्वीट. ओके, तो याद रखना वेपर प्रेशर मीन्स क्या, यही है कि वेपर का जो प्रेशर होता है वही क्या है, वेपर प्रेशर है, जो लिक्विड के सरफेस पे पैदा होती है. रूम टेम्परेचर पे भी पैदा होगा भाई, अगर इसका हम रूम टेम्परेचर पर रखें 25 डिग्रीज पर भी जो होती है वाटर के सरफेस में क्या होती है, प्रेशर पैदा होता है. जरूरी देखे होंगे कि जो तालाब है उनमें भी क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर ही क्या होती है, प्रेशर प्रोड्यूस होना, यानी वाटर जो होते हैं इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाते हैं. तो सीधी सी बात है, वेपर प्रेशर कहलाते हैं. ओके, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स है गाइस. देन नेक्स्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट एंड इवापोरेशन. सो बेसिकली इन द चैप्टर इन द दिस पॉइंट इवापोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट्स को डील करेंगे हम लोग. तो आपका बॉइलिंग पॉइंट जो है और आपका इवापोरेशन है वो एक्चुअल में है क्या. देखो अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और इवापोरेशन की, दोनों कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना, समझ में आ जाएगा. एक इजीली मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे दे देता हूँ. या देखो गाइस, जैसे मैं एक 3 कंटेनर्स दे रहा हूँ, ये फर्स्ट कंटेनर है, समझना बात को समझना, ठीक है. फर्स्ट कंटेनर है, ओके, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेपराइज फॉर्म लिया. ओके, मतलब यहाँ पे लिक्विड लिया. लिक्विड लेने के बाद बेसिकली यहाँ पे मैं इसको ढक्कन से ढक देता हूँ. ओके, इसका टेम्परेचर कितना है, ये जो है रूम टेम्परेचर पे है गाइस. कौन से टेम्परेचर पे है, रूम टेम्परेचर पे. ओके, रूम टेम्परेचर पे है. अब इसको हम लोग क्या कर, रूम टेम्परेचर पे छोड़ेंगे तो इसमें से भी क्या होंगे, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स जो होंगे, समझ में आ रहा है बात, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स हो गए ना. ओके, कुछ छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो होंगे गाइस यहाँ पे बनना स्टार्ट हो जाएंगे. किसके मॉलिक्यूल बनेंगे भाई, सीधी सी बात है भाई, वाटर के सरफेस से कुछ वेपर प्रोड्यूस होंगे जो वेपर प्रेशर देंगे. अब देखो यहाँ पे ये जो है वो क्या है, ATM है. कितना ATM, 1 ATM, मतलब जो बाहर का एटमॉस्फेयर है वो 1 ATM प्रेशर पे है, और इंटरनल जो रूम टेम्परेचर पे जब हम लोग इसको हीट कर रहे हैं तो इसका जो टेम्परेचर होगा इस कंटेनर का वो जनरली ज़्यादा से ज़्यादा 0. कितना आएगा, 2 ATM प्रेशर पे आएगा, 2 ATM प्रेशर पे. बात समझ में आई. ओके, अब एक और कंटेनर लेता हूँ मैं, ठीक है, अब एक और कंटेनर लेता हूँ. जैसे ये कंटेनर ले लिया, अब इस कंटेनर पे फिर से मैं क्या करता हूँ, एक वाटर वेपर लेता हूँ, वाटर, और यहाँ से मैं उसको फायर कर देता हूँ और इसका टेम्परेचर ले लेता हूँ 30 डिग्री सेल्सियस. याद रखना कितना, कितना
30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस देने के बाद इसको मैं ढक्कन से बंद कर देता हूँ। अब क्या होगा?